टॉक टू इस्लाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों की हाइट बढ़ाने का और उनके दुबले पतले जिस्म में मोटापा और ताजगी लाने का कुरानी वजीफा क्या है। बच्चों की परवरिश और सेहत को लेकर माँ बाप बड़े फिक्रमंद रहते हैं। बच्चों की परेशानी और बीमारी माँ बाप की परेशानी और बीमारी बन जाती है। उन परेशानियों में से एक बड़ी परेशानी बच्चों की हाइट का कम होना है और जिस्म का दुबला पतला होना है। बहुत से बच्चे इन दो तकलीफ़ों का शिकार होते हैं, जिसको लेकर वालिदैन परेशान रहते हैं। बसा औकात कई डॉक्टरों के चक्कर काट कर हज़ारों रुपये सर्फ कर देते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। क्यों ना हम एक बार अल्लाह पर यकीन रखते हुए इखलास नीयत के साथ कुरानी वजीफ़ा आजमा कर देखें। इसलिए सबसे पहले सूरह सजदा की ये आयतें सुनें। الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون। ترجمه: अल्लाह ने जो चीज़ भी पैदा की उसे खूब बनाया और इंसान की तख्लीक की इब्तिदा गारे से की, फिर उसकी नस्ल निचोड़े हुए हकीर पानी से चलाई, फिर उसे ठीक ठाक करके उसमें रूह फूकी। और इंसानों, तुम्हारे लिए कान आंखें और दिल पैदा किए, तुम लोग शुक्र थोड़ा ही करते हो। बच्चे को पैदा हुए 70 दिन गुजर जाने के बाद ये आयतें शीशे के बर्तन, रिकाबी वगैरह में लिखकर बारिश के पानी से धोकर इस पानी को दो हिस्सों में तकसीम करें। एक हिस्सा बच्चे की खाने की चीज़ों में मिलाएं और दूसरा हिस्सा बोतल में भरकर बच्चे को 7 दिन तक उसमें से पिलाएं। इंशाल्लाह खूब हाइट बढ़ेगी और खूब ताजगी और मोटापा पैदा होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब बटन से मुलाकात करना न भूलें।